hello friends uh, in this video we are going to discuss about the Reserve Bank of India assistance strategy plan uh, as we know the exam will be on 23rd and 24th of December and most of the students uh, have already prepared about this and most of them are in week uh, in this type of particular exam but, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अटेजी प्लान विच में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में स्ट्रेटेजी प्लान फर्स्टली हम आर बी आई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आरबीआई है हमारा एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन करेंसी को कंट्रोल करता है ये 1935 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है महाराष्ट्र करंटली हमारे जो गवर्नर हैं वो उर्जित पटेल हैं एंड आर बैंकिंग रेट इज नाउ 6.25 ओके आरबीआई ने इस साल 610 पोस्ट निकाली है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एंड एग्जाम है हमारा प्रीलिमरी एग्जाम हमारा ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर्थ ऑफ डिसम्बर एंड मेन एग्जाम जनवरी ऑफ टू थाउजेंड आइए हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं पहले उसके बाद हम सिलेबस एंड देन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे ये मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है लाइक वन आवर का मेरा एग्जाम होगा जिसमे मेरे तीन पोर्शन है इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी रिजनिंग एबिलिटी And number of the questions are uh, 30, 35, 35. Total number of questions are 100, and their respective marks are like 30, 35, and 35. Maximum marks are 100, and my total time is around one hour. And the pattern for the main exams are uh, is there are five section: reasoning, English, aptitude, general awareness, and computer uh, knowledge. And the respective number of questions are 40 in each section. Total number of questions are 200. And the uh, marks for these sections are 40 for each section. Means total maximum marks is around 200. And my total timing is 2 hours. And after that uh, we ha uh, have an interview, those students clear the main exam. Go for interview process. जिनका मेन एग्जाम क्लियर होगा वो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाएंगे तो ये तो मेरा प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम का पैटर्न है कि इस तरीके से मेरे एग्जाम होंगे लाइक फर्स्टली मेरा ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ को मेरा प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे वो सेकेंड स्टेज के लिए जाएंगे आफ्टर डेट वो फाइनल स्टेज ओके आइए हम इनका सिलेबस देखते हैं और उसी में मैं मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा कि हमें किन किन चीजों पे स्पेशली ज्यादा ध्यान देना चाहिए ये मेरे रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या कह सकते हैं सिलेबस ओवरऑल सिलेबस नहीं पर मैक्सिमम सिलेबस कवर हो रहा है इसमें मेरा एनालिटिकल रीजनिंग है डिस्टेंस डायरेक्शन है लीनियर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट एनालजी क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ब्लड रिलेशनशिप सिंबल एंड नोटेशन अल्फाबेट, डाटा सफिशियंसी स्टेटमेंट एजेंशन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट एक्शन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्री एनोलॉजी नॉन वर्बल एंड सीरीज नॉन वर्बल माइ मेन आर कोडिंग डी कोडिंग लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स अरेन्जमेंट ब्लड रिलेशनशिप सीरीज सिलोजिज्म डाटा सॉरी सफिशियंसी एंड थ्री पोर्शन दीज आर माइ मेन And of course, analytical reasoning. These are my means, and you can prepare them from respective books like verbal and non-verbal reasoning by R S Agarwal, data interpretation and uh, sufficiency by Kiran Publication, and analytical reasoning by A K Pandey. You can do it, but uh, likely we are having less time, so you can go for random question. You can go uh, and check various websites.

नंबर सिस्टम स्क्वायर एंड क्यूब रूट फ्रैक्शन एच सी एफ एलसीएम सिंप्लीफिकेशन रेशियो एंड प्रपोशन एजेस एंड एवरेजेस बोट एंड स्ट्रीम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पाइप एंड सिस्टम दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट मेनली मेरा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे प्लस ये सारे सेक्शन मेरे ऐसे हैं जिसमें से एक दो एक दो एक दो एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हम गेस नहीं कर सकते कि कौन सा से सेक्शन सबसे ज्यादा आएगा पर एक या दो एक या दो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर सेक्शन में मैं इनमें से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेरे आएंगे ही आएंगे और यू कैन गो फॉर बुक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल क्विकर मैथमेटिक्स बाय एम तारा एंड अरियंत फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक ये बुक्स मोर देन सफिशियंट है पर आप जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है आप अलग अलग वेबसाइट चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन जितने ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा लाइक like, हमारे पास अभी टेन डेज हैं अराउंड मे बी नॉट एग्जैक्टली टेन एट टू नाइन डेज तो हम क्या कर सकते हैं हम उसमें रेंडम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पर उस केसेस में आपको अगर देखना है तो मेरा मेन सेक्शन में बोलूंगा मेरे ओपिनियन से सिंप्लीफिकेशन एजेस एंड एवरेजेस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क मिक्सचर एंड एलिगेशन नंबर सिस्टम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इन एट डेज में कवर कर सकते हैं लाइक like मेरा रीजनिंग में था रीजनिंग में अगर आप बोलेंगे तो मैं सिलोजिज्म बोलूंगा मैं कोडिंग डिकोडिंग बोलूंगा सीरीज बोलूंगा मैं अरेंजमेंट्स बोलूंगा डिफरेंट डिफरेंट इन पे मैं पहले ज्यादा फोकस करूँगा ब्लड रिलेशन और एनालिटिकल रीजनिंग इन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा इन आठ दिनों में एट डेज पे तो ये तो मेरा रीजनिंग क्वांट का था अब मैं इंग्लिश का डिस्कस करूंगा लाइक दीज आर माई इंग्लिश टॉपिक्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग मिस्टेक पैराग्राफ फॉर्मेशन फिलिंग द ब्लैंक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो ये तो मेरे सारे टॉपिक्स इंग्लिश में काफी इंपॉर्टेंट है काफी इसमें से ही मेरा कुछ ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ एड ऑन होकर मेरा एग्जाम में मेरे को आएगा तो बुक्स में क्या क्या प्रेफर कर सकता हूँ वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय बख्शी क्विक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आर एस अग्रवाल एंड रीड डेली न्यूज पेपर फॉर पर हमारे पास आठ से नौ दिन है तो हम क्या क्या मेन टॉपिक्स देख सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस से ही आपको हेल्प मिलेगी कमांड मिलेगी मेरा एक इंग्लिश कॉम्प्रीहशन है मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन है और मेरा पैराग्राफ फॉर्मेशन है मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स है इन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा लाइक और मैं सेंटेंस करेक्शन पे भी फोकस कर सकता हूँ तो ये मेरे मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंग्लिश के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूँ उतना ज्यादा अच्छा होगा ये मेरे लास्ट मिनट टॉपिक्स हैं जिन पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा तो मेरे को हेल्प मिलेगी अब ये तो मेरा इंग्लिश का था आइए जनरल अवेयरनेस का देखते हैं जनरल क्या है फेमस पर्सनैलिटीज बुक्स एंड ऑथर इकोनॉमिक स्टडी स्पोर्ट्स कंट्रीज कैपिटल करेंसी करंट इवेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइज एंड अवॉर्ड जोग्राफी हिस्ट्री एंड जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस मेरे पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए ये मेरा प्री के पेपर में नहीं है प्री पेपर में मेरे लास्ट थ्री हैं जो मैंने डिस्कस करे है रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश उनका तो मैंने देख लिया है वो मेरा ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ को है पर जैसे ही मैं उन्हें क्लियर करूंगा मेरे जनवरी में जनवरी में ही मेरे पेपर है तो मेरे पास कम से कम टाइम है तो जो मेरा प्री क्लियर करेंगे आफ्टर डेट मीन्स के लिए हम देखेंगे तो मेंस में क्या है मेरा मेंस में मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्कोर हाई करने के लिए मेनली मेरे को पहले कट ऑफ क्लियर करनी है पर्टिकुलर सेक्शन की आफ्टर डेट मेरे को स्कोर uh, भी अपना इंक्रीज करना है तो मेरा जनरल अवेयरनेस में ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हाँ ये बहुत जनरल अवेयरनेस मेरा बहुत वास्ट है पर मैं करंट इवेंट्स पे फोकस कर सकता हूं मैं करेंसी कैपिटल एंड कंट्रीज पे फोकस कर सकता हूँ मैं स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकता हूँ बुक्स एंड ऑथर इकोनॉमिक स्टडी प्राइज एंड अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस ये मैं मेनली टॉपिक्स फोकस कर सकता हूँ फॉर शॉर्ट टर्म लाइक मेरे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है एग्जाम के लिए प्री के बाद ही मेरा इमिडिएटली मेरा मेन होगा तो उस ड्यूरेशन में मेरे को सारे सब्जेक्ट लिए सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो मैं मेन अपने ये टॉपिक्स लेके चल सकता हूँ तो इसके लिए आप बुक्स कौन सी ले सकते हैं मनोरमा ईयर इक लुसेंट जनरल नॉलेज डेली न्यूज पेपर फॉर करंट इवेंट्स एंड जनरल अवेयरनेस बुक बाय अरिंद पब्लिकेशन हाँ करंट इवेंट्स के लिए मेरे को लास्ट सिक्स मंथ के देखने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट सिक्स मंथ के ही मेरे काफी वर्क करेंगे तो ये तो मेरा जनरल अवेयरनेस है फॉर मेन्स के लिए इसमें मेरा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है मेरा कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज भी मेरा स्कोरिंग है इंडिविजुअल कट ऑफ इज माई फर्स्ट टारगेट एंड आफ्टर डेट स्कोर मोर एंड मोर सो कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ये मेरी ये दोनों मेरी बहुत हेल्प करेंगे ये मेरे कंप्यूटर नॉलेज के टॉपिक्स हैं पे मैं फोकस कर सकता हूँ और बुक्स मेरी यूज हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरे पब्लिशर वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट और कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी बाय किरण प्रकाशन आप जितना ज्यादा ऑनलाइन स्टफ सर्च करेंगे उतना बेटर होगा ट्राई सम मॉक टेस्ट अदर वेबसाइट लाइक डिफरेंट आप अदर अदर वेबसाइट देख सकते हैं उनमें आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे और यू कैन गो फॉर प्रीवियस आरबीआई पेपर उससे आपको पैटर्न भी मिलेगा थोड़ा हेल्प भी मिलेगा लाइक प्री इंट्रोड्यूस हो रहा है लास्ट ईयर तक प्री नहीं था पर इट विल हेल्प यू टू तो सम तो आप उस चीज को कंसीडर करके अपने पेपर पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं हाँ मैंने मोक टेस्ट को लेके और प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके थोड़ा सा एक पैटर्न बनाया है ये मेरा मेन में, में ज्यादा हेल्प करेगा प्री में भी हेल्प करेगा पर मेन के लिए ज्यादा मेरा हेल्प करेगा ये मेरा है सिंप्लीफिकेशन में ये मेरा गैस एक गैस uh, फिगर है कि इस पोर्शन में इतने क्वेश्चन मैं कंसीडर कर सकता हूं ये रेंज है इट्स नॉट एग्जैक्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ सम टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर तो सिंप्लीफिकेशन में एट टू टेन क्वेश्चन नंबर सीरीज में फोर टू फाइव क्वेश्चन रूट्स एंड इक्वालिटी में फोर टू फाइव क्वेश्चन एसआई एनसीआई कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट थ्री टू फोर क्वेश्चन परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस थ्री टू फोर क्वेश्चन मैं टाइम वर्क एंड डिस्टेंस ये मेरे कुछ पोर्शन है जिनमें मैंने कंसिडर किया है सेम फॉर रीजनिंग सीक्वेंस इनपुट आउटपुट सिलोजिज्म इनिक्वालिटी कोडिंग डी कोडिंग एनालिटिकल रीजनिंग अरेन्जमेंट एंड डाटा सफिशेंसी ये पोर्शन है ये मेरे रेंजेस है कि ये एक आप इन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इन्हें कवर भी कर सकते हैं आप इन टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो मेनली आपको हेल्प मिल सकता है पेपर में आपको मतलब जिनको ये प्रॉब्लम या डर लग रहा है कि वो नहीं क्लियर करेंगे तो आप इन पॉइंट्स को कवर करके अपने पेपर में कमांड बना सकते हैं इंग्लिश के लिए कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ फॉर्मेशन फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस करेक्शन ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे तो इनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग वीडियोस ट्यूटोरियल हैं जिनमें मैंने ट्रिक एंड कंसेप्ट शेयर किए हैं आप उनसे देख के सीख भी सकते हैं प्लस मैं अपने रनिंग कमिंग टाइम में और भी वीडियोज और अलग अलग डिफरेंट वीडियोज पैटर्न में करूँगा लाइकली अभी तक रेंडम था अब मैं पैटर्न में फॉलो करूंगा प्लस हम अपने कमिंग डेज में एक वेबसाइट और मोक टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे जिससे कि आपको एक डेफिनेट पैटर्न में बहुत सारे आ गए हैं पर हम फोकस करेंगे कि आपको डेफिनेट क्लोज एनकाउंटर मिले आपके पेपर से रिलेटेड जितना ज्यादा क्लोज होगा जितना यूजर इंटरफेस होगा उतना बेटर होगा आपका प्रिपरेशन अच्छी होगी प्लस टाइम आप एक पर्टिकुलर आपका जो फोकस होगा वो काफी अच्छा होगा और आप टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ये तो मेरा प्रॉपर पैटर्न है हा कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस के लिए इसी चीज में एज आई टोल्ड यू वो बहुत वास्ट है पर आपको मैंने पॉइंट्स डिस्कस करें उसमें मैं क्वेश्चन गेस नहीं कर सकता कि इसमें इतने ज्यादा आ रहे हैं या इस टॉपिक में से ज्यादा आ रहे हैं वो आपके सेक्शन है वहां पे आपको रीड आउट करने पड़ेंगे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था तो डेट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी प्लान फॉर आर बी आई असिस्टेंट ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द आर बी आई असिस्टेंट एग्जाम अच्छा कीजिए और सब अच्छा कीजिए सबका क्लियर हो होपफुली सब अच्छा करें और ये वीडियो आपको काफी हेल्प करे और फॉर अदर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो गुड लस गायड्स गुड लक